छात्रा के बीजेपी के लोग मिले मुझे, सारे परिवार के लोगों ने एक ही बात की कि जीतू भैया तुम इतना बढ़िया आदमी है, किसान ना की लड़े लड़ो, कट्टो लसन को विधानसभा में नीचे चली जाओ, 3000 रुपए कुंटल की मांग भी करो, यो तुम्हारो दोस्त आए तो आए, यो 4-5-10 लवारा ले आए भी चेंज नहीं करोगे। तो बीजेपी के लोग भी धाता जी, बीजेपी के लोग भी लवारों से परेशान है। अरे हरदीप सिंह ने कहा था मैं क्षेत्र के विकास के लिए दल बदल कर रहा हूं, जब वो पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े उपचुनाव, तब मैंने उनको खूब आरोप प्रत्यारोप कर किए, मैंने खूब कहा कि पैसे का लेन देन हुआ, पर जिस दिन से जनता ने फिर उसके पक्ष में मत दिया मैंने एक शब्द उसके विरोध में नहीं कहा। मैं हमेशा जनता लोकतंत्र में मां बाप होती है, जो जीता वो सिकंदर, अगर उसको जीता मैंने कुछ अच्छा समझा होगा, उसकी भावना से मिले होंगे, तो मैंने उस दिन से उसका सम्मान करना चालू किया। पर उसका वो शब्द जो विधानसभा में रोज बोलता था कि मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र में रोजड़ों से परेशान हूं, अब वो रोजड़े याद ही नहीं आते उसको कि रोजड़े भी है सुहासरा में। उसने कहा नाता जी, ये हरदीप डंग जी ने कहा कि मेरे क्षेत्र का विकास करना है इसलिए मैंने दल बदल किया, मंत्री भी बन गया, मुख्यमंत्री भी सुनता है, 30-40 उद्योग को ले आया होगा यहाँ में, 30-40 उद्योग ले आया होगा। अरे उसी में हरदीप डंग, देखो एक बात समझ लो, मैं आप लोगों की एक की बात नहीं मानूंगा, मेरा बचपन का दोस्त है, एक ही बार उसने मुझे धोखा दिया है, मैंने उसके 2008 में टिकट दिलवाई थी, पूछ वाला भैया मैंने दिलाई थी, मुझे एक बार धोखा दिया उसने, पर मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगा। वो तो कह रहा था अभी वीडियो पे कि गाय माता के लिए पहले विधानसभा का जब चुनाव लड़ा बीजेपी से, उससे पहले एक एक गाय सबको पालनी चाहिए, हम हिंदू हैं, हमारे घर में एक एक गाय होनी चाहिए, कितने भाषण देता था। अब वो पुजारी महात्मा स्वामी उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया कि यहाँ का विधायक गो तस्करों से मिला हुआ किया, अरे किया कि नहीं किया हुआ? तो यार पहले तो ये भाई मेरा बोलता था कि गाय मेरी माता है और भारत माता में गाय का स्थान सर्वोपरि है, अब जितनी गाय गौशाला मिली उससे ज्यादा रोड पे है, ये भाई मेरा मंत्री है, फिर भी आज तक अलग से एक शब्द नहीं निकला, क्यों? सवाल बनता नहीं बनता है, पवित्र परिवार के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं ईमानदारी से लोकतंत्र को जीता हूं। नाटा जी बहुत बहुत गंभीर और अंतर मन से मैं बात करना चाहता हूं, आप लोगों से भी आशा है मेरी कि इसको गंभीरता से लेकर सुने और मेरी भावना को समझने की कोशिश करें। जब यह हरदीप डंग पहली बार बीजेपी के साथ हरियाणा में एक होटल में गया, वो होटल थी 100 एकड़ की होटल, जिसमें जो नौकर चाकर सोए, जिसमें 200-300 कमरे हो और 100 एकड़ में होटल हो, उसमें केवल 40-50 लोग थे जिस दिन ये वहां गए थे, बाकी पूरी होटल खाली थी। मैं और दिग्विजय सिंह जी का बेटा जयवर्धन सिंह, हमें कमलनाथ जी ने कहा कि उस होटल में अपने 10-12 विधायक रुके हैं, जी तू जाओ जरा देखो कैसे क्या बात कर सकते हैं उनसे, तो मुझे भरोसा था हरदीप डंग पे। मैंने उनसे कहा कि सर कैसा भी है वो चला गया होगा, गुस्से में होगा, पर मेरा दोस्त मैं जानता हूं, उसको 2 बार मैंने टिकट दिलवाई, ये धोखा नहीं देगा, सरदार है, बात वाला है, पैसे में बिकेगा भी नहीं। मैंने उसकी पैरवी की थी, मैं अंतर आत्मा से मेरी भावना को समझने की कोशिश करना। जब मैंने होटल में पीछे के रास्ते से दीवार फांद कर प्रवेश किया तो अंधेरा ही अंधेरा, जिस विधायक से हमारी रामबाई बीएसपी की विधायक थी उससे बातें हो रही थी, कितने विधायक है, कौन कौन है, कौन कहां ठहरा है। जब मैं अंदर गया तो आप विश्वास नहीं करें, रामबाई जब मुझे मिली बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि भैया हमें कहा कुछ गया, कहा कुछ और गया और लेके आ गए और कुछ और करवा रहे। मैंने कहा कौन कौन विधायक है, तो उसने नाम बताया 7 विधायकों के, जिसमें बिसाऊ लाल सिंह कांग्रेस के विधायक आपके साथ मंत्री थे, आदिवासी नेता, उनके पास वो हमें लेके गई, जैसे तैसे छुपते छुपाते, जैसे
छुपते छुपाते जब वो लेके गई तो मैंने विसाव लाल जी को तैयार किया कि साहब अपनी सरकार है, मैंडेट हमें प्रदेश की जनता ने दिया है, हम सब मिलकर फिर से एक नया भविष्य बनाएंगे कांग्रेस पार्टी का भी और प्रदेश का। देखो मैंडेट 15 साल बाद जनता ने हमें विश्वास किया, पूरी 100 एकड़ की होटल कैसे ढूंढू मैं हरदीप गंज, फिर भी मैंने यहाँ से वहां 50 कमरे छाने छुपते छुपाते, ये भी डर था कोई देखने लगे, हम तो चोरी से गए थे उस होटल में। आप विश्वास नहीं करोगे नाटा जी, मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था। एक मेरे से भी लंबा व्यक्ति मेरे साथ आया, थोड़ी देर मेरे साथ साथ चलता रहा, फिर थोड़ी देर बाद 2 लोग और आए, फिर 4 लोग और आए, ऐसे 25-30 लोग हो गए। फिर उस व्यक्ति ने मुझे कहा, जो पहला आया लीडर उनकी टीम का, उसने कहा भैया हम ये सरकार गिराने के ठेके लेते हैं और माने सर की इस होटल से हम 3 सरकारें गिरा चुके हैं। नाटा जी, ये ताली बजाने की अपनी जगह बात हो सकती है, पर सुहासरा के पावन परिवार के लोगों, मेरे परिवार के बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे परिवार के भाइयों, युवा साथियों, वो 1.5 घंटा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना था। उसने मेरे से गन दीवार में लड़ाई और कहा जीतू भैया हम आपको जानते हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप यहां से चले जाओ, इसी में आपका भला है। मेरे पास कुछ नहीं था, अकेला था, 20 लोग थे, जयवर्धन और उनके साथ मैंने उनको छोड़ दिया था। ऐसे में मेरे को किस तरीके से मैं बचता बचाता है, तो आज से मुझे कि हरदीप दम जब मुझे देखेगा इस संकट में तो मेरा साथ देगा। मैंने उसको टिकट दिलाई, नेता बनाया, पर आप विश्वास नहीं करो मेरी जान पे आई तब भी आपने मेरे पास नहीं आया। याद रखना ये बहुत मार्मिक बात है, वो जरूर विपक्ष का है, पर जब वो मेरा दोस्त था, मेरी पार्टी में था, मैंने उस पर विश्वास किया था। जब मेरी जान हथेली पे थी पर वो एक शब्द नहीं बोला, बाहर निकल के नहीं आया, कमरे में से देखता रहा कि जीतू बटवा की क्या हालत हो रही है। जब मेरा नहीं हुआ तो सुहासरा की जनता का हो सकता है क्या? अरे मेरा नहीं हुआ तो सुहासरा की जनता का हो सकता है क्या? जन आक्रोश और जन आशीर्वाद चाहिए भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी को। किस बात का जन आशीर्वाद? इस बात का कि 1 करोड़ बच्चे यहां पर बेरोजगार घूम रहे हैं, इस बात का कि 4 लाख करोड़ के कर्ज में है मध्य प्रदेश, इस बात का कि हमारी 2 लाख बहने 2 साल में गायब हो गई, इस बात का कि मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे छोटे छोटे प्रदेश में नशे से युक्त हो गए। एक बेटा जब नशा करके घर में आता है तो बाप खून के आंसू रोता है कि मेरा जवान बेटा नशेड़ी हो गया, ऐसा कुछ बनाया आपने। और आपको जन आशीर्वाद चाहिए, जन आशीर्वाद चाहिए, जन आक्रोश होना चाहिए। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जन आशीर्वाद होना चाहिए, जन आक्रोश होना चाहिए? बस आप लोगों को इस भावना को जीना है। हरदीप दंग ने कहा मैंने क्षेत्र के विकास के लिए बताव किया, हमने कहा तू बिका, फिर लोगों ने उसको सुना, हमने अपनी बात वापस ली और लोगों की बात सर माथे पे ली। पर अब सुहासरा का विकास कितना हुआ, न रोजड़ों की समस्या समाप्त हुई, न उद्योग आए, न करप्शन कम हुआ, न मैं अनुरोध यह करना चाहता हूं सिर्फ एक ही बात कि कमलनाथ कितना दोषी विचारे का, आज 77 ईयर ओल्ड आदमी एक ही मध्य प्रदेश ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, देश में कई औधों पर कमलनाथ जी रहे, पूरी दुनिया में उनका नाम है, पर मध्य प्रदेश ने उनको जो दिया वो लौटाना चाहते हैं, वो प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने पूरे जीवन का अनुभव मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए लगाना चाहते हैं। आप सब कमलनाथ जी का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? शामगढ़ में भी कहा था, फिर या कह रहा मैं आपको दाना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके परिवार का हिस्सा बनना चाहता हूं। मैं एक विधायक आप कांग्रेस का चुनोगे, दूसरा टोकर आपको मुफ्त में मिलेगा जीतू पटवारी के रूप में। मैं कृपा करना मेरी भावना को, मेरी वेदना को, मेरी इस आस्था को आप आत्मसात करना। मैं बहुत संकट में आपके पास आया हूं, आपको कांग्रेस की सरकार बनानी है और यहां का विधायक भी इस बार
मुसलमान जितने मंच पर खड़े हैं हाथ ऊंचा करके बताओ पंजे का बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप लोग सब बताओ पंजे का बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं बहुत भरोसे से जा रहा हूं, बहुत भरोसे से जा रहा हूं आप लोगों के भरोसे पर कि इस बार अब की बार कांग्रेस सरकार न जात पर न पात पर मोहर लगेगी। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री, जैसा मैंने अभी कहा शिवराज जी जब तक मुख्यमंत्री है तब तक उनसे मेरे भी मुख्यमंत्री आपके भी है प्रदेश के भी। मैंने इतनी देर में कभी नहीं कहा कि वो बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, भले चुनी हुई सरकार के नहीं है, लूट की सरकार के, और मुख्यमंत्री किसके है? हमारे है, प्रदेश के। मैंने उनसे बार बार, एक बार, दो बार, सौ बार, पचास बार, हर बार एक ही बात की, 3000 रुपए क्विंटल अनाज का दाम कर दो। मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? अरे बताओ गलत तो नहीं कर रहा हूं? शिवराज जी जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी तब तक हम अपनी डिमांड को, अपनी मांग को दोहराते रहेंगे। जिस दिन आचार संहिता लगी उस दिन कमलनाथ जी से भी हम 3000 रुपए क्विंटल की गेहूं की मांग का कुछ न कुछ करवाते रहेंगे। मैं एक बार फिर साधुवाद, धन्यवाद, भारत माता की जय।